रोहित शर्मा के शतक ने तोड़े कई रिकॉर्ड, शर्मा जी की लाल ने कर दिया कमाल। हिटमैन रोहित शर्मा ने एक के बाद एक शतक जड़कर ये साबित कर दिया कि वह टेस्ट में बेस्ट हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ा। इस बार ये शतक आया महेंद्र सिंह धोनी के घर रांची में, जहां उन्होंने टेस्ट में छठवां शतक जड़कर बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया। टीम इंडिया ने सस्ते में ही 3 विकेट खो दिए थे। महज 39 रनों में टीम का स्कोर 3 विकेट गिरने के बाद रोहित ने रहाड़े के साथ बेजोड़ बैटिंग शुरू की और 86वीं गेंद पर चौके के साथ हाफ सेंचुरी पूरी की, जबकि सेंचुरी के लिए उन्होंने 130 गेंदों का सामना किया। रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में पहली बार भारत के लिए टेस्ट में ओपनिंग करने उतरे थे। उन्होंने पहले टेस्ट में पहली पारी में 176 रन की पारी खेली, जबकि दूसरी पारी में 127 रन बनाए। रांची में लगाया हुआ शतक रोहित शर्मा ने टेस्ट करियर की 6वीं सेंचुरी है। उन्होंने शतक के लिए 130 गेंदों का सामना किया, जबकि 13 चौके और 4 छक्के लगाए। रोहित ने 100वां रन सिक्स में पूरा किया, जो डैन पीट की गेंद पर लगाया गया था। रोहित शर्मा ने मौजूदा टेस्ट सीरीज में अब तक 17 छक्के जड़े हैं। एक टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक छक्के जड़ने का बात करें तो यह रिकॉर्ड है। उनसे पहले यह कीर्तिमान वेस्ट इंडीज के सिमरन के नाम था। उन्होंने 2018-2019 में बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 15 छक्के लगाए थे। रोहित शर्मा ने पहले करियर में 2000 टेस्ट रन पूरे कर लिए हैं। इस सीरीज में पहले रोहित के नाम सिर्फ 3 शतक थे, लेकिन उनके नाम 30 टेस्ट मैच में 6 शतक हो गए हैं। भारतीय धरती पर रोहित के नाम टेस्ट मैचों में 6 शतक हो गए हैं। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा छक्के ठोकने के मामले में बेन स्टॉक्स को भी पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।